पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 5 बजे से। और ये देखो अभी अंधेरा हो रखा है, लाइट भी चल रखी है। तो आ जा रहे हैं हम घूमने, वो तो आपको पता चले गया होगा थंबनेल से। तो ले चलते हैं आपको कैंची धाम नीम किरोली बाबा के मंदिर में। तो देखते हैं कैसा कैसा रहता है आज का सफर। आप भी बने रहो ब्लॉग के साथ। तो यहाँ सब लोग हो चुके हैं तैयार, खुशु भी हो चुका है तैयार और हमारा कल्लू भी तैयार हो गया। ए देखो, हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये देखो सुबह सुबह का मौसम, आज तो अच्छी धूप आएगी क्योंकि मौसम साफ दिख रहा। और ये देखो सब लोग निकल चुके हैं, दादा बब्बी और अभी दादी लोग आ रहे होंगे पीछे से। रुस्तम भाई, तो गाड़ी भी तैयार हो चुकी है। ये देखो सब लोग तैयार हो गए और दादी लोग आ रहे हैं अभी पीछे से। हमारा कल्लू भी तैयार हो गया। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं नीम किरोली बाबा कैंची धाम में। तो अंदर शायद फोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, तो अगर हम दर्शन करके आ जाएंगे तो उसके बाद बताऊंगी मैं आपको वहां का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अगर नीम किरोली बाबा के भक्तों की बात की जाए तो एप्पल के ओनर स्टीव जॉब
और फेसबुक के ओनर और बॉलीवुड की महान हस्तियां भी इनके भक्त रहा करती थी। तो यहाँ इतनी भीड़ थी सारे भक्तजनों की कि सबको लाइन लगकर दर्शन करने पड़ रहे थे और दर्शन भी अच्छे से हो गए थे। ये जो नदी बह रही है तो इसका नाम कोसी नदी कहा जाता है। कैंची धाम कोसी नदी के पास ही स्थित है। तो दादी कैसा लगा दर्शन करके? कैसा लगा बताओ बताओ। अरे कैसा लगा? अच्छा मैं पूछ रही हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो अब हम कैंची धाम से प्रस्थान कर रहे हैं अपने घर की ओर। तो अभी हम नीम करौरी कैंची धाम के मंदिर से आ गए दर्शन वगैरह करके। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ भी जा रहे हैं हम लोग। अभी दादा लोग आए नहीं, उसके बाद नाश्ता वास्ता करेंगे, पहले यहाँ दर्शन के लिए जाता है। ये मंदिर है साई कुटिया, ऐसे कुछ लिखा है। तो चलते हैं, करते हैं आपको भी दर्शन। भाभी को आर्मी वालों ने बाई किया। भाभी आप घायल हो गई। कहाँ ढूंढू ए दिखा माला कलो। नीब करौरी कैंची धाम के मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं। तो वहाँ एक है नीब करौरी बाबा का मंदिर, एक माता का मंदिर, एक है सिद्धि माता का मंदिर और एक हनुमान जी का मंदिर और एक राधे कृष्ण का है, राधे कृष्ण का छोटा मंदिर है। तो इतने मंदिर हैं वहाँ। वहाँ अंदर ना फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। वहाँ वो सीधा फ़ोन
स्विच ऑफ वगैरह करा दे रहे थे, फिर बाहर में ना आवाज़ बहुत सारी आ रही थी, वीडियो अच्छी नहीं बन पाई, इसलिए मैं अभी साइड पे आई हूँ आपको बताने के लिए कि इतने मंदिर से वहाँ, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, पर कोई बात नहीं, जितना जितना मुझे पता चला उतना उतना मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आप बस। तो यहाँ पे अभी हम खाना वाना खा रहे हैं, और बब्बी की तो बहुत तबीयत खराब हो रही है। खुशू तो कहाँ गया था? पूजा करने कहा? मंदिर का नाम क्या था? कालू, यहाँ पे कल्लू आराम फरमा रहा है। दादा खाना के इंतजार में है। तो ये अभी मेरा और बब्बे का खाना आ चुका है, क्योंकि ये बिना प्याज वाला है, तो हम लोगों का नवरात्र चल रहा है इसलिए हमने बिना प्याज का मंगा रखा। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ की सबसे फेमस मिठाई, जिसको कि हम पहले पत्ते वाली मिठाई कहा करते थे, तो इसका नाम है सिंगौड़ी, यहाँ की सबसे फेमस मिठाई है। तो अभी बारिश वाला मौसम हो रखा है और हम पहुँचने वाले हैं मलचोरी। यहाँ पे इन्होंने पूरी गाड़ी ख़राब कर दी, तो इसलिए उसे साफ किया जा रहा है। तो इन सब ने पूरी गाड़ी ख़राब कर दी, आते टाइम भी ज़्यादा टाइम भी इन्होंने पूरा सबका मोड ख़राब कर दिया, मतलब मेरे को दादी दादा को छोड़ के सब उल्टी हुई। तो ना अच्छे से फोटो वोटो खींच गई, हाँ दर्शन वगैरह तो हो गए। तो गाइस ये है पूरा सफर खराब करने वाले लोग। अपने गांव, अपने गांव। और यहाँ पे बाबी दीदी की तबीयत अभी भी खराब हो रही है। बाबी की तबीयत बहुत खराब हो गई पूरी रास्ते भर में, और मौसम इस प्रकार। अच्छा हम टाइम पे आ गए घर। सुबह निकले थे हम 6:30 बजे करीब, तो अभी हम 5 बजे पहुंच गए घर पे। इससे भी पहले पहुंच जाते, लेकिन इन सब की तबीयत ख़राब हुई तो रुक रुक के चलना पड़ा। गाड़ी भी आराम आराम से ले जा रहे थे ताऊ लोग। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।